हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डी साइकिल के बारे में है। डी साइकिल के बारे में मैं आपको बहुत सारा जानकारी दूंगा जो मेन इम्पोर्टेंट होता है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग चार्ट देखते हैं किस तरीके से, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसा आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साइकिल जब भी हम गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। आप बहुत सारे इंसिडेंट देखे होंगे, लेकिन साइकिल का काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है इंसिडेंट, लेकिन जब होता है तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि एक्चुअली ये एक मेटल बना हुआ है, जब मेटल टूटेगा तो सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होने का चांस है। और उसके बाद जो मैं बताऊंगा, आप किस तरीके से कोई भी साइकिल को आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे आप साइकिल पर देखते होंगे 3-4, जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके अंदर 3-4 है, इसी तरीके से 7-8 भी होगा। तो हर साइकिल पे अलग अलग डिफरेंट साइज होगा, उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आज हम यही चीज़ जानकारी देंगे। दूसरा जो जानकारी हम देंगे कि साइकिल में किस टाइप से लगाने से कितना लोड जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज या ख़त्म हो जाता है। तो आप जैसा अभी ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले ऊपर वाला देख रहे हैं 30% इस डायरेक्शन में ख़त्म हो जाता है। अगर आपका कोई भी साइकिल है 4 टन का, तो उसमें 30% आप लेस कर दीजिए इस तरीके से। लेकिन इसमें इफ़ेक्ट क्या होता है, साइकिल में भी इफ़ेक्ट होता है और दूसरा हुक के अंदर भी इफ़ेक्ट होता है। लेकिन हम इनको किस जगह पर यूज़ करेंगे इस टाइप से, जब हमें 2 स्लिंग्स लगाना हो, मल्टीपल स्लिंग्स लगाना हो, मतलब एक से ज़्यादा, तो हम लोग वो साइकिल के अंदर इस दिशा का यूज़ करेंगे। सेम इस तरीके से आप जैसे देख रहे हैं साइकिल के अंदर 45 एंगल इस तरीके से और 45 एंगल इस तरीके से बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम 1 स्लिंग्स इसमें यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट होने का चांस है। आप देखे होंगे कि उसमें कभी कभी हमें 2 लेग लगाना होता है कुछ इस तरीके से, तो उसमें साइकिल के साथ जब हम लोग स्लिंग्स लगाते हैं तो इसके अंदर एंगल जो आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। तो कितना इफेक्टिव हो सकता है, अगर आप देख रहे हैं कि हमारा जो नीचे वाला जो लेंथ है, जो नीचे वाला बेस है, अगर वो कम है और लेंथ ज़्यादा है तो सबसे अच्छा है। अगर हमारा नीचे का बेस सबसे ज़्यादा है और लेंथ कम है तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको यही चीज़ से समझ लेना चाहिए। दूसरा जो नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं ये साइड में बाजू में इसी पिक्चर में, आपको साइकिल ये बो साइकिल लगा हुआ है और इसके इस साइड से उठाया जा रहा है सेम, तो इसमें भी कैपेसिटी कम होने का चांस है, लेकिन ये काफ़ी डेंजर भी है और इसके बॉडी में इफेक्ट हो सकता है। इसका जो पिन का जो थ्रेडिंग है वो टूट सकता है। और उसके बाद जो ये तीसरा देख रहे हैं ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको वर्टिकल उठा सकते हैं। वर्टिकल वैसे भी बो साइकिल और डी साइकिल दोनों डिज़ाइन है, लेकिन अगर आपको एंगल में मल्टीपल स्लिंग लगाकर उठाना है तो कभी भी आप बो साइकिल का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बो साइकिल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है। तो ये रही ये बात। और जो सेकंड जो है, मैं उसको कैलकुलेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि कभी भी आप देखे होंगे कुछ इस तरीके से साइकिल के अंदर 3-4 लिखा होता है या 7-8 लिखा होता है, तो आप इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो आपको मैं एक स्क्रीन पर शेयर करूंगा इधर ये साइड में, और ये साइड में आपको एग्जांपल भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से लिखा हुआ होता है और किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। जैसा आप देख रहे हैं 3-4 का साइकिल, तो 3-4 को साइकिल को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 3 डिवाइड 4, आपका जो वैल्यू आया 0.75। अब 0.75 को हम लोग दूसरे फार्मूले में डालेंगे, 0.75 मल्टीप्लाई उसके बाद 0.75 मल्टीप्लाई 8, जैसा हम लोग वायर रोप स्लिंग में कैलकुलेशन करते हैं यही सेम थंब रूल हमारा इसके अंदर होगा। जो सेकंड हम लोग दिखाएंगे 7-8, अगर अगर हमारे पास 7-8 का है तो सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे, 7 डिवाइड 8 उसके बाद हमारा जो वैल्यू आएगा 0.875, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। वैल्यू को हम लोग 0. दूसरा हम लोग फार्मूले में डालेंगे 0.875
875 मल्टीप्लाई 0.875 मल्टीप्लाई 8 लगा देंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। तो आपका ये कैपेसिटी निकल कर आ जाएगा। आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसा 3-4 का 4.5 टन का कैपेसिटी आया हुआ है निकल कर, और नीचे देख रहे हैं 6.125 टन का कैपेसिटी निकल कर आया है। तो कुछ इस तरीके से ये फार्मूला काम करता है। आई होप ये वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। आप अगर आपने सीखा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप जैसा जानते हैं कि दो टाइप के साइकिल होते हैं, साइकिल एक्चुअली बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से दो टाइप के साइकिल होते हैं। पहला तो एक बो साइकिल, दूसरा डी साइकिल। उसके अंदर काफ़ी पिन वाले होते हैं, कटर पिन होता है, नट वाला भी होता है, काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अलग अलग एक शक्ल दिया हुआ है। इन ये साइकिल को इस टाइप पे यूज़ करना है, इस साइकिल को इस टाइप पे यूज़ करना है, लेकिन जो उसका जो शेप है दो ही टाइप है, एक डी साइकिल एक बो साइकिल। आप देखे होंगे डिफरेंट साइकिल, लेकिन उसका अलग अलग पर्पस यूज़ करने का है। तो आई होप ये वीडियो में आपने बहुत कुछ समझा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।